सो हमारा जो एपिसोड है वो कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो बात कर रहे होते हैं प्रोफेसर ओक और ऐश की मदर डेलिया से टेलीफोन पर, बट जो पिकाचू होता है उन्होंने जो चेहरा है वो कैमरे पर चिपका के रखता है एक तरीके से, जिसके कारण जो प्रोफेसर ओक और ऐश की जो मदर है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो पिकाचू से कहते हैं कि पिकाचू हट जाओ, हमें ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा। तो इसी पर जो पिकाचू होता है वहाँ से हट कर ऐश के कंधे पर जाकर वापस बैठ जाता है। और इसी बीच जो ऐश और जो ऐश की जो पूरी गैंग होती है और जो प्रोफेसर ओक और ऐश की जो मदर होती है उनके बीच में बातचीत चालू हो जाती है। और इसी बीच जो ऐश की मदर है वो क्लेमेंट, बॉनी और सरीना से कहती है कि तुम भी यहाँ आओ पहले टाउन में हमारे घर, ताकि हम सब मिलकर एक लंच या कुछ अच्छा सा खाना खा सके एक साथ बैठकर। तो फिर इसी पे जो ऐश की जो सरीना, पॉनी या क्लेमेंट जो होते हैं वो इसी बीच कहते हैं कि अगर हम आ सके तो हम ज़रूर आएंगे। फिर इसी के बाद जो फ़ोन होता है वो इनके बीच बात चलती है और वो फ़ोन कट करके वो वहाँ से चले जाते हैं किसी नियरस्ट के स्टोर पर लंच करने। तो वहाँ पर जो सरीना होती है वो अपने लंच को बिल्कुल एक तरह से तैयार कर रही होती है, और वहाँ पर जो बॉनी होती है वो बहुत ही अराउंड मतलब एकदम चुपचाप बैठी होती है। जब सरीना उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो बॉनी उसे रिप्लाई देते कि नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा स्नैक खा लिए। तो इस पर क्लेमेंट जो है वो इसे एक तरह से डांटता है और कुछ कहता है, लेकिन उसी टाइम जो है वो डोरबेल जो है वो बज जाती है और ऐश उसी टाइम सॉरी जो डोरबेल होती है वो बज जाती है। और जो ऐश की जो टीम है वो मिलते हैं एलन, मैरी, चेस्पिन और प्रोफेसर सिकामोर से बाहर। सो यहाँ उन्हीं के बीच उनमें भी काफ़ी बातचीत होती है। और इसी बीच जो हमारे टीम रॉकेट और म्याउत होते हैं वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है कार्लोस की वो डिलीवर कर रहे होते हैं अपने बॉस जियोवानी तक कि उन्होंने जो टीम रॉकेट है उसको हरा दिया और जो जायंट रॉक है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो जियोवानी है वो काफ़ी इम्प्रेस होता है उनसे और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए वापस बुला लेता है। सो जैसी जेम्स और जो म्याउत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं और वो भी वहाँ के लिए निकलने लग जाते हैं अपनी फ़ाइनल टिकट के लिए। फिर इसी बीच जो एलन और जो मैरिन या सॉरी मैं नाम गलत बोलूँ मैरिन जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं अपनी जर्नी की फ्रॉस्ट कैवर्न की कि जो प्रोफेसर सिकामोर थे कि उन्होंने कि वहाँ किस तरीके से मेगा स्टोन्स की जो है वो कलेक्टिंग करने वो वहाँ गए थे और अभी वो फिर से मेगा स्टोन्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं प्रोफेसर सिकामोर के साथ। तो इसी से उनकी पूरी बात चलती है। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमारे जो पूरे हीरोज़ होते हैं वो चले जाते हैं एयरपोर्ट पर, ल्यूविनोस एयरपोर्ट पर, जहाँ सरीना की जो फ़्लाइट होती है वो होयन रीजन की वो होने वाली होती है। और इसी बीच जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो एक दूसरे को गुड बाय कह ही रहे होते हैं कि जो बॉनी का डेडेने होता है वो वहाँ से चले जाता है एकदम सैड मूव में और वहाँ से चले जाता है। और जो हमारे बाकी हीरोज़ होते हैं वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ सरीना की जो फ़्लाइट थी वो भी लेट हो रही थी। सो इसी बीच तभी जो पिकाचू होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसके डेडेने की जो लोकेशन है उसको पता करने की कोशिश करता है और उसे ढूंढ भी लेता है। और जो डेडेने होता है वो काफ़ी नाराज़ होता है कि वो सब जा रहे हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बट उनके बीच में एक तरह से सुलह हो जाती है। और फिर जो हमारी सरीना होती है वो निकल जाती है अपने फ्लाइट के लिए और जैसे ही वो वहाँ से नीचे जा रही होती है फिर वो दोबारा वापस आती है और आपको पता है वहाँ पे क्या होता है। और इसी बीच जो हमारे टीम रॉकेट के जो सदस्य होते हैं जैसी, जेम्स, वोफाफिट और म्याउत वो भी भाग रहे होते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए गेट नंबर 12 पर। और वहीं पर जो उनके बीच में बात चलती है और जैसी कहती है कि जेम्स ने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था गिफ्ट लेने पे जिसके कारण वो लेट हो गए थे। और यहीं बीच जो हमारे बाकी के हीरोज़ होते हैं वो भी सरीना को गुड बाय कर चुके होते हैं। और इसके बाद जो ऐश और जो क्लेमेंट होते हैं उनके बीच एक लास्ट बैटल होती है। जो सरीना की फ़्लाइट चली जाती है जब ऐश और बाकी के टीम उसे गुड बाय कर लेते हैं और फिर क्लेमेंट ऐश से कहता है कि क्यों ना एक लास्ट बैटल हो जाए हमारे बीच। और उनके बीच जो है वो लास्ट बैटल होती है और वो लास्ट बैटल कुछ इस तरह होती है कि जो क्लेमेंट है वो अपने बनलबी को भेजता है और ऐश जो है अपने पिकाचू को भेजता है। बॉनी वहाँ पर उनको देख रही होती है और पिकाचू शुरू करता है थंडर बोल्ट से और जो बनलबी है उसे डॉज करता है मड शॉट के बाद। फिर उसके बाद जो पिकाचू है वो आयरन टेल इस्तेमाल करता है और क्विक अटैक के साथ उसे फॉलो करता है, जहाँ पर जो बनलबी होता है वो वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करता है। और ऐसी जो उनकी बैटल है वो चल रही होती है। फिर इसके बाद जब जैसे उनकी बैटल चल रही होती है उसके बाद जो सीन आता है वो आता है लैब का, जहाँ पर प्रोफेसर सिकामोर जो होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं एक नए ट्रेनर को उसका स्टार्टर पोकेमोन चुनने के लिए। और वही दूसरी तरफ जो एलन होता है वो
मैरिन को बताता है अपने फॉरेस्ट फ्रॉस्ट कैरविन के बारे में, और उसके साथ जो होते हैं उसके चारिज़ार्ड और चेस्पिन भी वहाँ पर बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टियर्नो, शोना और ट्रेवर होते हैं वो एक ब्रेक ले रहे होते हैं अपनी पोकेमोन जर्नी से, और उसी के बाद जो सॉयर होता है वो लाइजेंडर कैव में स्टीवन से रिसर्च के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है और उसे अपनी डायरी पर हमेशा की तरह लिख रहा होता है। और दूसरी तरफ जो गुडरा होती है वो ऊपर और लोटैट की मदद करती है एक कॉन्ट्रोवर्सी में, जैसे जो कि उसका हमेशा का जो काम था वही कि दूसरों के बीच लड़ाई ना होने देना और सबको एक तरह से शांति से रखना। और इसी बीच जो अगला जो इसके बाद सीन होता है उसमें जो ग्रेनिंजा है वो जो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी वाइन्स की उसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है अपने वाटर स्ट्रोकिंग से, और जो स्क्वीजी होता है वो वहाँ देख रहा होता है या छानबीन कर रहा होता है। फिर इसी के बाद जो हमारा लास्ट जो सीन आता है उसमें जो ऐश और जो हमारे पिकाचू होते हैं वो प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे होते हैं सनसेट में, और अपनी जो पूरी जर्नी उन्होंने अब तक स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग टू एंड उसे वो याद कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपना जो फर्स्ट जो प्लेन से जब वो उतरे थे एलेक्सा के साथ, फिर उन्होंने अपनी जो जर्नी थी अपना फर्स्ट जिम मैच जीता था, फिर उन्होंने किस तरीके से फ्रोकी को पकड़ा, उसके साथ जो बॉन्ड था वो इतना एक तरह से अचीव किया, फिर किस तरह से उन्होंने टीम फ्लेयर को डिफीट किया, अपने ग्रेनिंजा को गुड बाय कहना, और इसी को सोचते सोचते रात के टाइम पे फिर नेक्स्ट सीन में जो ऐश होता है वो पहले टाउन पहुंच जाता है और वो अपने घर की तरफ भाग रहा होता है।